नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस घंटे की चार बड़ी खबरों के साथ मैं अजहर अली आपके सामने हाजिर हूं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कश्मीर में सेना की ड्यूटी पर तैनात हो गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के साथ ड्यूटी पर तैनात हो गए हैं, जहां वे 31 जुलाई से 15 अगस्त तक ड्यूटी करेंगे। इस दौरान धोनी के जिम्मे पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट की ड्यूटी रहेगी। वे जवानों के साथ ही रहेंगे। बता दें कि धोनी ने वेस्ट इंडीज दौरे पर जाने से इनकार करते हुए 2 महीने क्रिकेट से दूर रहकर सेना के साथ समय बिताने का फैसला किया था। उत्तर प्रदेश में छेड़खानी को लेकर शिकायत करने गई एक लड़की के साथ पुलिस के बुरे बर्ताव की प्रियंका गांधी ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा, छेड़खानी की रिपोर्ट लिखवाने गई लड़की के साथ थाने में इस तरह का व्यवहार हो रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो रहे, दूसरी तरफ कानून के रखवालों का ये बर्ताव महिलाओं को न्याय दिलाने की पहली सीढ़ी है उनकी बात सुनना। जिस वीडियो को प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है उसमें थाने में एक बैठा पुलिसकर्मी लड़की के पहनावे पर सवाल खड़े कर रहा है। देख किसने लिया? आशिक और वो विक्की लंगड़ा और अमर तिवारी। ये अंगूठी तुम क्या पहन रहे हो? ये चूड़ा किस लिए पहन रहे हो? ये क्यों डाले हो गले में? ये इतने आइटम तुम किस लिए डाले हो? क्या मैं पढ़ती हो? पढ़ती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी युवराज सिंह और क्रिस गेल आज आमने सामने होंगे। गुरुवार को शुरू हो रही ग्लोबल कनाडा T20 लीग का पहला मैच टोरंटो नेशनल्स और वैंकूवर नाइट्स के बीच खेला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस मुकाबले में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल वैंकूवर नाइट्स टीम का हिस्सा है, तो युवराज सिंह टोरंटो नेशनल्स में खेलेंगे। भारतीय समय अनुसार इस लीग का पहला मैच गुरुवार रात 10 बजे से शुरू होगा। मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। महाराष्ट्र और असम के बाद अब जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। इन इलाकों में सड़कें पूरी तरह से नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। जलभराव की वजह से संचार और यातायात में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं।